हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जीएमसी जम्मू स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। इसका नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस सारी डिटेलों के बारे में बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। साथ में फ्रेंड, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। फ्रेंड, तो बात करते हैं जीएमसी जम्मू स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। इसका नोटिफिकेशन बता देता हूँ, स्टाफ नर्स की वैकेंसी लिखी 125 वैकेंसी है। 17 अगस्त की स्टार्टिंग डेट है, यानी 30 अगस्त की लास्ट डेट है। ठीक है, आप इसका जो एप्लीकेशन मोड है जो आप दे सकते हैं ईमेल या रजिस्ट्रेशन कोड से आप कर सकते हैं। कैटेगरी हमारी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक, यहाँ पर दे सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको देख सकते हैं जीएमसी जम्मू स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट वैकेंसी के बारे में 125 वैकेंसी हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख लेते हैं जो क्या रहेगा। द कैंडिडेट मस्ट बी, आपका 10वीं के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए जूनियर स्टाफ नर्सिंग का ट्रेनिंग का फ्रॉम SMS या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी, और मिनिमम आपकी एज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी मोर देन 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईमेल आईडी है वो recruitment.gmcj@gmail.com पर आके कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो पोस्ट करना होगा या फिर आपको ऑफिसर ऑफ जनरल पर्सनल ऑफिसर पर एसोसिएट पर कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मैंने एड्रेस बता दिया है, 30 अगस्त से पहले इसकी लास्ट डेट है, इसको आपको कर देना है। जो आपकी सैलरी रहेगी 14,500 रुपये रहेगी। ठीक है, तो ये थी जो डिटेल जो कि मैंने बताई। अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ पे और डिटेल है वो हम जान लेते हैं। देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएट हॉस्पिटल जम्मू की आपकी जो वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे है, जो कि हमारे NHM की वैकेंसी निकली है स्टाफ नर्स की। तो आप जैसे देख सकते हैं मैट्रिक पास होना चाहिए, क्योंकि बता चुका हूँ मैक्सिमम 45 दे रखी है। ठीक है, न्यूनतम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। यहाँ पे आप पोस्ट दे सकते हैं, ये वैकेंसी दे सकते हैं, पूरी डिटेल ये रही। ठीक है, टर्म ऑफ कंडीशन बता रखा है, जो कि आपको कैंडिडेट शुड बी परमानेंट रेजिडेंट UT एंड जम्मू और कश्मीर का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको 30 तारीख को ईमेल करना है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल मार्कशीट की सेमेस्टर रिक्वायरमेंट पोस्ट अप्लाइड होनी चाहिए, कॉपी ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर यदि है तो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आप आवेदन की जो डिटेल थी मैं मेन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे और दे सकते हैं जो चीज़ डिटेल है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है इसको आप डाउनलोड करके या तो ईमेल के द्वारा या इसकी जो एड्रेस है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी डिटेल है, यहाँ पे आपको फोटोग्राफी चिपकानी, अपनी नाम, एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, वो जो कि आप दे सकते हैं, जो कि मैंने बता रखा था, डेट है, पोस्ट अप्लाइड, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका परसेंटेज, ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नंबर अगर कोई ब्लॉक है, ठीक है, ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, डिटेल ऑफ आपकी क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल करनी है। ठीक है, आपका हाई स्कूल इंटर और जो आपकी डिप्लोमा की या कोई भी आपने सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसका डिटेल बताना है। ईयर ऑफ पासिंग, मार्क ऑफ टेंट, टोटल मार्क, परसेंटेज यहाँ पे बतानी है। ठीक है, आपको डेट ऑफ कंपटीशन और एज क्वालिफाइंग आपको बताना है, डिग्री, ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वो बताना है, ड्यूरेशन बतानी, ईयर बताना है, मंथ बताना है, डॉक्यूमेंट इंक्लोज जो आपके डॉक्यूमेंट है उसके बताना है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे जानकारी देगी है, जो भी आपके जैसे हाई स्कूल का है सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आप अप्लाई मैंने बताए थे उसको यहाँ पे आपको इंक्लोज करना है। ठीक है, बताना है। तो ये थी डिटेल जो कि मैंने बताई किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। आई होप आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल एनी टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।